وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त तवीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त तवीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मोहतरम उस्ताद अकराम और मेरे प्यारे साथियों अस्सलामु अलैकुम। भारत हयात का वो कौन सतार है जो मुफक्र इस्लाम में ना चेड़ा हो और जिसके सरमदी नगमों ने जिंदगी के असरार और अमूज का इंकशाफ ना किया हो। हयात उम्मत की सरहदों से गुजरकर हयात जवेद की तड़प करने वाला वो इकबाल तारीख के उस दौर में पैदा हुआ जो जुल्मतों का दौर था। जरूरत ऐसे में थी कोई दरवेश सिर्फ बंदा उठे और जज्बे कलंदराना निजाम पर जरबे कलीमी लगाए और बुत परस्ती के सनम कदा को जलाकर भस्म कर दे। जनाबे वाला इकबाल ने अपनी कौम को हिम्मत और हौसले का दर दिया, इन्हें अपनी तारीख और इस्लाम के कारनामे याद दिलाए और बताया कि वो क्या गर्दू था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। सामिन इकराम इकबाल की रूह आज भी तड़प तड़प कर हमसे ये पूछती है कि जिंदगी का कौन सा गुर मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, वो कौन सी रग है जिस पर मैंने निश्चय नहीं चलाया, फिर कौम क्यों लसानी सोबाई मजहबी और इलाकाई गिरोह में बढ़ चुकी है, मेरा आधा पाकिस्तान कहाँ है, मेरे वतन में दहशत गर्दी के नाम पर खून क्यों बहाया जा रहा है, मेरे वतन में इंसाफ क्यों नहीं है, मजबूरी हालात से खुलती है जुबान भी, मजबूरी हालात से खुलती है जुबान भी, लगती है जो आग तो उठता है धुआं भी। ए रूह इकबाल माना कि हमसे गलतियां हुई है लेकिन हमारे जज्बे जिंदा है, हम पहाड़ को चीर कर कोह से दरिया बहाने का हौसला रखते हैं। ए रूह इकबाल हमने तेरे ख्वाबों को एटमी ताकत में बदल दिया है, हमने सरजमीन वतन के जरों के मुंह अपने खून से धुलाए हैं, अगर हम इतने कम हिम्मत वाले होते तो मुट्ठी भर पाकिस्तानियों को यहूद और हिंदू हड़प कर चुका होता। ए रूह इकबाल तेरे अता कर दे जज्बे और तेरे बढ़ाए हुए सबक आज भी हमें दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला देते हैं। हम तजदीदे अहद करते हैं कि ए रूह इकबाल हमने तेरे हर शेर की तफसीर और अमली पैकर बनेंगे और ये कोर ये तमन्ना ये सरजोशब शादाब ही रखेंगे, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी।